गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग इस चैनल पर केवल केमिस्ट्री क्लास कर रहे थे। कल से आप लोगों का इसी चैनल पर फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स में हम लोग का सबसे लास्ट का चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग कल से मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स क्लास कल से स्टार्ट होगा। और अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक, जिसमें हम लोग डी ब्लॉक को पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक में आज जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसको देखेंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे निकाला जाता है आज हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को जानना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जानिए कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी ऑर्बिटल क्या है, ये जो बॉक्स है जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। तो कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ध्यान देना जरा। यहाँ पर मान लीजिए कि P सबशेल है। हम लोग को पता है कि P में एक से लेकर के छः तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम से कम एक हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा छः हो सकता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि P में चार इलेक्ट्रॉन है। ऐसा मान लिए कि P में इलेक्ट्रॉन का संख्या फिलहाल कितना है, चार है। तो हमसे पूछा जाएगा कि अगर P में चार इलेक्ट्रॉन है तो बताएं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो पहले हम लोग को ये जानना होगा कि P में ऑर्बिटल कितना है। तो मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर में कि P में ऑर्बिटल तीन होता है, जिसका कि नाम है PX, PY और PZ, और इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम है, इसलिए इसको हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डीजनरेट किसको बोलते हैं, जिसका कि ऊर्जा बराबर होता है उसको डीजनरेट ऑर्बिटल संभ्रंश कक्षक कहते हैं, जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग के पास चार इलेक्ट्रॉन है। चार इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग इसमें फील्ड करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा थर्ड इलेक्ट्रॉन। एक एक करके भरना है हंड्स रूल के अनुसार। तो चार इलेक्ट्रॉन में से तीन इलेक्ट्रॉन फील्ड हो चुका, तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये फोर नंबर इलेक्ट्रॉन। तो याद रहे ये इलेक्ट्रॉन नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन नंबर फोर है। तो याद रखना है कि ये जो ऑर्बिटल है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन से सूचित करते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सूचित किससे करते हैं, स्मॉल एन से। इसको हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में क्या देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखना है कि इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर या पेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जोड़ा में है और ये जोड़ा में नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं होता है उसी को हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि P4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग बताएंगे कि P4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या दो है। ये दो कौन कौन सा है, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। फिर से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग के पास में डी में छः इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग को पता है कि डी में ऑर्बिटल कितना होता है। तो डी में पांच ऑर्बिटल होता है हम लोग के पास में। डी में टोटल पांच ऑर्बिटल है। पांच ऑर्बिटल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन तक था, 6 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर लिए। तो दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो ये हम लोग के लिए हो गया पेयर। और हम लोग के पास अनपेयर कितना हुआ था, 1, 2, 3, 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 4 है। तो आप लोग को ठीक से समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही सिंगल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि डी में इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग के पास में 3 है।
तो डी अगर आया तो निश्चित रूप से पांच ऑर्बिटल ही होगा। तो ऑर्बिटल हम लोग के पास में पांच है, 1 2 3 4 5, तीन ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन है नहीं इसलिए जाएगा नहीं, तो हंट्स रूल से एक एक करके इलेक्ट्रॉन तो फील्ड कर दिए। अब पूछा जाएगा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि इधर का क्या करें, तो याद रखना है कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको देखना भी नहीं, हम लोग को देखना केवल यह है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इस तरीका से हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, है ना। फिर से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के पास में आ गया एफ, और F में इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लोग ले लेते हैं 11। तो बताइए F में ऑर्बिटल कितना होता है। तो हम लोग को पता है कि F में टोटल 7 ऑर्बिटल होता है, टोटल 7 ऑर्बिटल है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब पेयर है, ये सब पेयर है, लेकिन हम लोग को तो अनपेयर चाहिए। अनपेयर कितना हुआ, 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 अनपेयर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 3 है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके रियल एग्जाम्पल पर आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन को युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, वो युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, और इसका आंसर लिखिए कि किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप लोग इसको उतारिए। तो लिख लिया आप लोग। अब हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो एग्जाम में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निकेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान बताएं। अभी हम लोग ये दोनों पे देखेंगे और समझेंगे जरा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन है निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, ये याद करना पड़ेगा, याद रखना है 30 तक का परमाणु संख्या। तो निकेल के बगल का नोबेल गैस कौन होगा, निकेल के बगल का नोबेल गैस है आर्गन, आर्गन हो गया 18, ये हो जाएगा हम लोग का 4H2 और ये हो जाएगा 3D8, 18 2 20 और 8 28। तो निकेल का बना लिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखने में पिछले क्लास में बता चुका हूँ, जो नहीं जान रहे वो पीछे वीडियो लेक्चर को देखें। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 4H2 है, तो ये तो पूरा कंप्लीट है, S में 2 होना चाहिए, 2 है, लेकिन D में अधिक से अधिक 10 हो सकता है, यहाँ कितना है 8 है, इसका मतलब ये पूरा फुलफिल नहीं है। तो इसके हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो डी में कितना ऑर्बिटल, तो डी में हम लोग के पास में 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना अनपेयर्ड बच गया। तो हम लोग को पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। तो एक नंबर तो हम लोग को ऐसा मिल जाएगा, दूसरा नंबर, दो नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था, हम लोग को बताना है इसका चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से सूचित करते हैं, याद रखना है कि चुंबकीय आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं, म्यू से। और म्यू निकालने का फॉर्मूला होता है √n(n+2bm). ये bm मात्रक है जिसका फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटन। तो हम लोग यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो हम लोग यहाँ पर 2 रख लेंगे। तो यहाँ रख देंगे 2 और 2 प्लस 2 है ना, तो 2 और 2 4, इसका मतलब आ गया √8। कितना आ गया, √8। तो हम लोग आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं कि निकेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 2 है और निकेल के चुंबकीय आघूर्ण का मान √8 है, पर ऑब्जेक्टिव में √8 दिया हुआ नहीं रहता है, तो नहीं रहता है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2, तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। आंसर यहाँ पर भी नहीं छोड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग को और सॉल्व करना होगा। तो और क्या सॉल्व करना होगा, 2√2 का मान आप लोग को याद रखना होगा, जो होता है 1.41। तो 1.41, तो अब हम लोग को है ना इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.82, अब मात्रक हो जाएगा bm।
मात्रा क्या आ जाएगा बीएम। तो याद रखना है कि निकेल के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना है 2.82 बीएम। तो ये हम लोग कैसे निकाल पाए, ये बात आप लोग को समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया MN पे, MN का परमाणु संख्या है 25। 25 का बोला जाएगा हम लोग को दो चीज निकाल के दिखाने के लिए। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि मैग्नेटिक मोमेंट का मान बताएं मैग्नीज का, और दूसरा बताएं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। याद रहे मैग्नेटिक मोमेंट तब तक नहीं निकल सकता है जब तक कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तुम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। इसके बगल का नोबल गैस हो गया आर्गन, आर्गन हो गया 18, उसके बाद आ जाएगा 4H2 और उसके बाद आ जाएगा 3D5। तो 18, 2, 20 और 5, 25, तो एटॉमिक नंबर 25 है। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ तक तो भरा हुआ है डी में, तो डी में टोटल ऑर्बिटल कितना, तो डी में टोटल ऑर्बिटल हम लोग के पास 5 है और इलेक्ट्रॉन भी 5 है। तो इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन तो सिंगल ही हो गया, तो सब इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकल गया 5। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता कि मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैग्नीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 5 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसमें, ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी का सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग को चुंबकीय आघूर्ण का मान बताना है। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग सूचित किससे करते हैं, म्यू से। अब म्यू का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, तो फॉर्मूला है रूट अंडर n(n)(2)(n+2)(bm). बीएम का फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटन, मात्रक है याद रखना है। तो एन का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया है, एन का वैल्यू आ गया है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 ले लिए, यहाँ पर हो गया 5+2, 5 और 2 7 और 7 5 35। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया रूट अंडर 35 बीएम। तो ये इसका हम लोग का आंसर हो गया, पर आंसर यहाँ पर रहता नहीं है, इसको अब हम लोग को पॉइंट में लिखना होगा। तो कैसे पॉइंट में लिख पाएंगे, तो याद रखना है कि 35 है, अगर एक ज़्यादा 36 होता तो 36 का रूट अंडर कितना होता है 6 होता है। अगर यहाँ पे 36 होता तो यहाँ पर आंसर आता कितना 6, और एक कम है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 6 से थोड़ा कम होगा। तो इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर होता है 5.92 बीएम। इसका आंसर कितना है 5.92 बीएम। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये दोनों चीज़ निकालने के लिए आ गया होगा कि कैसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और कैसे हम लोग चुंबकीय आघूर्ण को निकालते हैं। इसको एग्जांपल में उतारिए। तो देख लिए आप लोग दोनों एग्जांपल को। तो अगर हम क्वेश्चन दे आप लोग को कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि जिंक और कॉपर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट हिंदी लिख लीजिए आप लोग, और युग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण के मान को ज्ञात करें, और युग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण के मान को ज्ञात करें। किसका किसका निकालना है, एक निकालना है जिंक का और एक निकालना है कॉपर का। जिंक का परमाणु संख्या है 30 और कॉपर का है 29, निकालिए आप लोग। निकालिए आप लोग, तो मिलाइए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिए हुए हैं जिंक, ZN, ZN का परमाणु संख्या है 30। अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, विन्यास लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आर्गन 18, यहाँ हो जाएगा 4H2 और ये हो जाएगा 3D10, 18, 2, 20 और 10, 30। तो जिंक का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसका मतलब जिंक डी ब्लॉक का तत्व है। और अगर हमसे इसका ग्रुप पूछ लेता तो ग्रुप निकालने, डी जिसमें भी आएगा उसमें एस और डी का इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, 18 और 2, 20। तो अगर हम लोग से इसका ग्रुप नंबर पूछता, सॉरी 18 यहाँ पर 10 और 2, 12 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका ग्रुप नंबर पूछता तो ग्रुप नंबर कितना होता है 12। ग्रुप नंबर निकालने के लिए याद रखना है एस और डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, किसी में भी डी आएगा और उसका ग्रुप पूछा जाएगा तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो ग्रुप निकल जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना लिया है, तो जिसको भी ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने नहीं आता है वो पीछे के वीडियो लेक्चर को देखें। फिलहाल हम लोग को क्या देखना है कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एस में मैक्सिमम 2 होना चाहिए, 2 है, यहाँ डी में भी मैक्सिमम 10 होना चाहिए, 10 है। तो ये भी पूरा फुलफिल है, पूर्ण भरा हुआ है, और ये भी पूर्ण भरा हुआ है, तो दोनों फुलफिल है। तो इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन तो पेयर में आ जाएगा,
और जब सब इलेक्ट्रॉन पेयर में आएगा तो इसका मतलब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, जीरो। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो जिंक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, है ना। अगर यहाँ पर Zn पे 2+ दे देता और पूछता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2+ देने के बाद भी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता, ये हम लोग का क्या होता है, जीरो। अगर जीरो होता फिर भी यहाँ पर D10 रहता, फिर भी जीरो होता। याद है ना, जिंक में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। याद कर लीजिए कि जिंक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, चाहे वो यौगिक के रूप में रहे, आयन के रूप में रहे, मेटल के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहेगा, जिंक का हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आएगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जीरो हो गया, तो हम लोग से पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला N(n+2bm), यही फॉर्मूला है। तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, तो हम लोग लगा रहे हैं रूट अंडर, एन है तो एन है, तो एन का वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पर जीरो, जीरो प्लस टू, तो जीरो प्लस टू टू हुआ, टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। याद रखना है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं होता है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो याद रखना है कि म्यू का वैल्यू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जिंक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी जीरो और मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, जीरो। तो एक क्वेश्चन हम लोग ये देखें। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी में आप लोगों से क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि कॉपर का निकालना है। तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 है और याद होगा कि हंट्स रूल, हंट्स रूल कॉपर में लगता है, हंट्स रूल 6 में लगता है, उसमें से एक क्या है, कॉपर। हंट्स रूल नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पर है 29 का विन्यास लिखेंगे, तो 29 का विन्यास लिखेंगे तो आर्गन हो जाएगा 18, होना चाहिए 4s2 लेकिन होता है 4s1, और यहाँ हो जाएगा 3d कितना हो जाएगा, 3d 9 होना चाहिए पर होता कितना है 10। तो बताइए इसका ग्रुप नंबर कितना होगा, तो ग्रुप नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 10 और 1 11। तो अगर हमसे पूछता कि कॉपर का ग्रुप नंबर कितना है, हम लोग बोलते हैं कि कॉपर का ग्रुप नंबर 11 है, फिलहाल उससे मतलब नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, पर याद रखिए जीरो नहीं होगा, क्योंकि डी तो पूरा फुलफिल है लेकिन एस फुलफिल है, एस में होना चाहिए 2 और है कितना 1। तो हम लोग को पता है कि एस में 1 ऑर्बिटल होता है और डी में हम लोग के पास में 5 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सिंगल हो गया, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 10 को हम लोग भर देंगे तो याद रखना है कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ सब पेयर है लेकिन ये क्या है अनपेयर, तो याद रखना है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है, तो आंसर कितना मारना है 1। कैसे आप लोग को समझ में आया ना कि इसमें नहीं आया 1, इसमें आया, एस में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया इसलिए यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें किसका, इसी का हम लोग को क्या निकालना था, म्यू निकालना था, म्यू निकालना है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर N(n+2bm), यही निकालना है। तो n का वैल्यू बताइए, n क्या चीज है, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 1, तो 1 और यहाँ हो जाएगा 1+2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 × इसका मतलब ये तो √3 हो गया, और √3 का आप लोग को मान याद है, √3 का मान होता है 1.73, ये याद रखना है। सॉलिड स्टेट में आप लोगों को मैंने 2 को मान याद करवाया था, याद है आप लोग को, एक याद करवाया था √2 का और एक याद करवाया था √3 का। √2 का होता है 1.41 और √3 का होता है 1.73, ये दोनों का मान आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि 3D सीरीज किसको बोलते हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक को, तो स्कैंडियम से जिंक मतलब परमाणु संख्या 21 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक को हम लोग 3D सीरीज कहते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इसमें सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, तो कुछ स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में हमको आंसर लिख के भेजे थे मैग्नीज, याद रखिएगा कि मैग्नीज आंसर गलत है। अब आप लोग को मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया है, आंसर इसका मैग्नीज नहीं होगा, तो इसका मतलब अब बच गया 9 ऑप्शन, इन 9 में से कौन सा होगा, तो ये आप लोग को चेक करके बताना है। फिलहाल आप लोग इसको एग्जांपल में उतारिए, कुछ टॉपिक अभी हम लोग को और देखना है। लिख लिया आप लोग, तो अब एक शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि जिंक कैडमियम मरकरी का द्रव्यमान और क्वथनांक सबसे कम होता है क्यों। क्वेश्चन लिखिए,
कि जिंक कैडमियम मरकरी का द्रवणांक और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है क्यों? क्वेश्चन लिख लिया कि जिंक कैडमियम मरकरी का द्रवणांक और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे कम होता है क्यों? क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी पूछता है तो अथवा में एक क्वेश्चन और लिखिए, इसका भी आंसर यही होगा। एक क्वेश्चन उसमें और लिखिए कि वर्ग 12 को वोलाटाइल मेटल, वर्ग 12 को ग्रुप नंबर 12 को वोलाटाइल मेटल, हिंदी है वाष्पशील धातु कहा जाता है क्यों? क्वेश्चन लिखिए वर्ग 12 को वोलाटाइल मेटल वाष्पशील धातु कहा जाता है क्यों? ये दोनों का आंसर सेम होगा। ये दो नंबर के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में तो अभी तक नहीं आया हुआ है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था कि जिंक कैडमियम और मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्यों, इसका आंसर बताना था। तो ठीक से ध्यान दीजिए आप लोग। तो हम लोग से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये दिया है कि जिंक ZN कैडमियम CD, जिंक कैडमियम और मरकरी हो गया HG। तो क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है, तो क्यों कम होता है यह बताना है। तो जिंक का परमाणु संख्या है 30, कैडमियम का है 48 और मरकरी का है 80, ये आप लोग को याद रखना है। और ये आता है ग्रुप नंबर 12 में। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे, इसके नज़दीक का आ जाएगा आर्गन हो जाएगा 18, इसके बाद आ जाएगा 4s2 और यहाँ हो जाएगा 3d10, 18, 2, 20 और 10, 30, 48 का बनाना है। तो इसके नज़दीक का आ जाएगा क्रिप्टन का होता है 36, क्रिप्टन 4 नंबर पर, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन 4 पर है, तो स्टार्ट 5 से होगा, तो ये होगा 5s2 और ये हो जाएगा 4d10, याद रखना है 5s के बगल में 4d आता है, तो 36 और 2 38 और 10 48, मरकरी 80 तक का बनाना है। तो 80 का अगर बनाना है तो इसके बगल का नोबेल गैस कौन हो जाएगा, ज़ेनन का हो गया कितना, 54, अब ज़ेनन के नंबर पर 5 नंबर पर, तो स्टार्ट होगा 6 से, तो ये हो जाएगा 6s2। अब मैंने बताया था कि 6 और 7s में s के बगल में f आता है, तो याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग को f लिखना होगा। ये कैसे लिखते हैं ये मैंने नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो देखना है उसको। तो 6s आएगा, तो s में अगर 6 है तो f में 2 कम होता है, तो अगर यहाँ 6 है तो याद रखना है कि यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ पर 5 होता, और f में कितना होता है 14। अब यहाँ पर f के बगल में d लेना है, तो d में हो जाएगा 5d, तो 5d लेना है, तो यहाँ पर हम लोग का कितना पूर गया, 70 पूर गया, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। याद रखना है कि s में जितना होता है उससे 2 कम f में होता है, उससे 1 कम d में होता है, तो d में हमेशा 1 कम, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, तो d में 1 कम होता है, f में 2 कम होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो याद रखना है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिंक कैडमियम और मरकरी इन तीनों का लास्ट में d10 और d10 है ना, इसका मतलब डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। जब डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है तो बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अर्थात इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाता है, पेयर वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो याद रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना तो जिंक में है, ना तो कैडमियम में है और ना तो मरकरी में है। तो अगर हम लोग जिंक का टुकड़ा ले लें तो जिंक के टुकड़ा में बहुत सारा जिंक का परमाणु होगा, तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिंक के एक एटम और दूसरे एटम के बीच जो बॉन्ड रहता है उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, धात्वी बंधन। तो इसका मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही कमजोर बॉन्ड होगा। कमजोर क्यों होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 0 है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका मतलब इसमें कमजोर मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, और अगर वीक मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो याद रखना है इसलिए इसका द्रवणांक और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होगा, ठीक है। और अगर इसमें क्या देख रहे हैं
कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वीक है, और अगर वीक है तो इसको अगर थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो ये तुरंत उबलने लगेगा, तुरंत उबलने लगेगा, तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ग्रुप नंबर 12 का नाम क्या रखा गया है, वोलाटाइल मेटल। याद रखना ग्रुप नंबर 12 का एक नाम हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सूडो ट्रांजिशन मेटल। तो सूडो ट्रांजिशन मेटल भी इसको कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है वोलाटाइल मेटल। तो ये नाम बहुत लोग को नहीं पता है, ये नाम आप लोग को याद रखना है कि ग्रुप 12 को वोलाटाइल मेटल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, इसका आंसर क्या लिखेगा, तो पहले तो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन मैंने क्या लिख रहा है कि जिंक कैडमियम मरकरी का द्रव्यमानांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे कम होता है, और इसी को अथवा में दूसरा क्वेश्चन लिखना है कि ग्रुप 12 को वोलाटाइल मेटल के नाम से जाना जाता है क्यों। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए आंसर में कि जिंक कैडमियम मरकरी का बाह्यतम डी सबसेल, जिंक कैडमियम मरकरी का बाह्यतम डी सबसेल पूर्ण भरा हुआ है, बाह्यतम डी सबसेल पूर्ण भरा हुआ है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड मतलब जोड़ा में हैं, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में हैं, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाने के कारण इसमें विक मेटेलिक बॉन्ड कमजोर धात्वी बंधन का निर्माण होता है, इसलिए जिंक कैडमियम और मरकरी का द्रव्यमानांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पर अगर आप चेंज करके लिखिए कि चूंकि वर्ग 12 के तत्व कमजोर धात्वी बंधन से जुड़े होते हैं, क्योंकि वर्ग 12 के तत्व कमजोर धात्वी बंधन विक मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अतः इसे गर्म करने पर यह तुरंत वाष्पित होने लगते हैं, इसलिए वर्ग 12 को वोलाटाइल मेटल वाष्पशील धातु, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पशील धातु कहा जाता है। इसमें हम लोग का दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको लिखना तो जरूरी नहीं है, अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जिंक कैडमियम मरकरी इन तीनों का डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, और भरा हुआ है तो याद रखना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगर हम लोग से यह पूछता कि ग्रुप 12 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास, स्पेशली अगर इस ग्रुप को ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि ग्रुप 12 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो क्या देख रहे हैं, S2, इसका मतलब यहाँ पर S में 2 आता, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल नंबर को N से दिखाते हैं। याद रखना ये N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर ये कक्षा की संख्या, यहाँ कक्षा की संख्या 4, यहाँ 5, यहाँ 6, कक्षा की संख्या को भी N से ही सूचित करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं D10, तो इसका मतलब लास्ट में आता है डी और 10। याद रखना है डी और बैटल है, तो डी है तो इसमें एफ को नहीं देखना है, अगर डी ब्लॉक करेगा तो एफ को उसमें नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर डी है तो D10 लिख लिए। अब यहाँ पर 4 था तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5, मतलब एक कम है। तो अगर यहाँ एन है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा N-1। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ग्रुप 12 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर पूछेगा तो NH2 और N-1 DR कितना होगा, 10। तो आप लोग पॉइंट बना के लिख लीजिए कि वर्ग 12 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 N-1 D10 होता है, लिख लिए। तो इसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो लिख लिया आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जलीय विलयन में परमाणु संख्या 25 वाले डायवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयन का मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन लिखिए कि जलीय विलयन में परमाणु संख्या 25 वाले डायवेलेंट आयन और ट्राइवेलेंट आयन, डायवेलेंट आयन और ट्राइवेलेंट आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। डायवेलेंट आयन और ट्राइवेलेंट आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो पहले आप लोग इसको समझ लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यह है कि परमाणु संख्या 25, एटॉमिक नंबर को जेड से सूचित करते हैं। जिसको नहीं पता वो याद रखेगा कि परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। तो परमाणु संख्या क्वेश्चन में दे दिया है 25। अब जरा आपको बताइए कि परमाणु संख्या 25 होता किसका है। तो हम लोग को याद है कि परमाणु संख्या 25 होता है मैग्नीज का, ठीक। तब क्वेश्चन ये हम लोग को दिया है कि मैग्नीज का जलीय विलयन है, मतलब इसको जल में डाला गया है, जल में इसको डाला गया है, इसका कोई यौगिक है जिसको जल में डाला गया है। और कहता है कि ये दो तरह के आयन को दिखा रहा है जल में, एक दिखा रहा है डायवेलेंट और एक दिखा रहा है ट्राइवेलेंट। तो डायवेलेंट आयन और ट्राइवेलेंट आयन, ये डायवेलेंट क्या है, डाय मतलब दो और वेलेंट मतलब वैलेंसी, तो इसका मतलब इसमें दो प्लस है और ट्राई का मतलब होता है तीन, इसका मतलब इसमें तीन प्लस है। तो दो प्लस वाले को डायवेलेंट बोलते हैं और तीन प्लस वाले को ट्राइवेलेंट बोलते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा। तो डायवेलेंट बोलने का मतलब है कि यहाँ पर Mn पर दो प्लस चार्ज है, और ट्राइवेलेंट बोलने का मतलब है कि यहाँ पर Mn पर तीन प्लस चार्ज है, ठीक। तो ये हुआ डायवेलेंट मैग्नीज और ये हुआ ट्राइवेलेंट मैग्नीज। तो क्वेश्चन ये दिया है कि डायवेलेंट मैग्नीज और ट्राइवेलेंट मैग्नीज का हम लोग को निकाल करके दिखाना है क्या, चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मान निकाला। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू को बोल रहे हैं और म्यू का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम, जो हम लोग अभी देखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये दोनों का निकालना है। तो दो प्लस का क्या मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अच्छा, ये प्लस ही होगा, ये कैसे पता चला, यहाँ माइनस क्यों आया। तो याद रखना है कि Mn जो है मैग्नीज, ये एक मेटल है, धातु है, और धातु इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ना, त्याग करता है। जब त्याग करता है तो उसका कौन सा चार्ज आता है, प्लस आता है। तो हम लोग को पता है कि इसका परमाणु संख्या 25, नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में दे दिया है 25। तो यहाँ पर हम लोग इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो इसके बगल का नोबेल गैस कौन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4H2 और ये 20 हो चुका, और 20 और 5 25। इसी तरीका से हम लोग यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, आर्गन हो गया 18, ये हो गया हम लोग के लिए 4H2 और ये हो गया हम लोग के लिए 3D5, यहाँ भी 25 बन गया। अब दो प्लस का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है। तो कहाँ से लॉस होगा, सेल नंबर 3 से या सेल नंबर 4 से। तो पहले लॉस होगा सेल नंबर 4 से, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हम लोग लॉस कराएंगे। दो इलेक्ट्रॉन लॉस कराने पे क्या देख रहे हैं कि ये तो 0 हो गया, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही ना है, तो इसको देखना है। अब डी में हम लोग के पास कितना और मेटल होता है, तो डी में हम लोग के पास में टोटल 5 होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 सिंगल है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Mn2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 5 है। पर ये निकालने नहीं दिया है, निकालने दिया है म्यू। तो हम लोग को म्यू निकालना है, तो म्यू निकालना है तो वैल्यू 5 रखेंगे। तो अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5, और हो जाएगा 5 और प्लस 2, तो 5 और 2 7, 7 5 35, इसका आंसर आ गया √35। और √35 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5.92, और मात्रक है Bn। तो याद रखना है कि डायवेलेंट आयन Mn2 प्लस, डायवेलेंट लिख लेंगे पॉइंट बना के, कि डायवेलेंट आयन Mn2 प्लस के मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का मान है 5.92 Bm। उसी तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर तीन प्लस है, तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तीन इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से दो को लॉस होगा और उसके बाद एक और बच गया, तो एक और यहाँ से लॉस होगा। तो यहाँ से लॉस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4। तो 4 लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, तो 4 तो लिख लिया,
तो हम लोग निकालिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितना और बैटल होता है, डी में होता है टोटल 5 और बैटल और 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, चारों का चारों सिंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि Mn3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 है, और अगर 4 है तो हम लोग को म्यू निकालना है, तो म्यू हो जाएगा रूट अंडर 4 + 4 + 2, तो 4 और 2 6 और 6 चौके 24। अब रूट अंडर 24 का वैल्यू याद है आप लोग को, तो 24 है किसके नज़दीक का, 25 के नज़दीक का। अगर यहाँ 25 होता तो आंसर 5 होता, तो इसका मतलब 5 के नज़दीक होगा, तो इसका आंसर है 4.90 BM, 4.90 BM। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा था कि Mn2+ है ना, क्वेश्चन ये था कि परमाणु संख्या 25 वाले अगर जलीय विलयन में है तो उसके डायवेलेंट और ट्रायवेलेंट के चुंबकीय घूर्ण का मान बताएं। तो डायवेलेंट के चुंबकीय घूर्ण का मान आ गया 5.92 BM, और ट्राइवेलेंट के चुंबकीय घूर्ण का माना गया 4.90 BM। तो इस तरह से याद रखना है कि डायवेलेंट का मतलब होता है 2+, ट्राइवेलेंट का मतलब 3+, अगर मोनोवेलेंट होता, मोनो का मतलब एक होता है, अगर हम बोलते हैं मोनोवेलेंट एंड, तो याद रखना मोनो का मतलब एक है ना, लिख दे क्या याद रहेगा आप लोग को, मोनो का मतलब एक प्लस, या मतलब एक समझिए है ना, डाय का मतलब 2, ट्राय का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, इसके बाद आप लोग होशियार हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसको उतारिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। लिख लिए आप लोग, तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्रुप नंबर 11 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका आंसर बताना है। ग्रुप नंबर 11, ठीक से ध्यान देना, ग्रुप नंबर 11, तो ग्रुप नंबर 11 में पहले आता कौन कौन है, तो ग्रुप नंबर 11 में आता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तांबा 29 है ना, ये होता है हम लोग का 47 और ये होता है 79। इन तीनों का हम लोग को पहले विन्यास लिखना होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पहले ये है कि ग्रुप 11 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी हो गया सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्वेश्चन लिख लीजिए कि ग्रुप 11 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जैसे भी मैंने ग्रुप नंबर 12 का थोड़ा देर पहले बताया था है ना। ग्रुप नंबर 12 में कौन कौन आता है, ग्रुप नंबर 12 में आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, और इसके लिए भी हम लोग देखे थे यहाँ पर NH2 और देखे थे N-1 और D देखे थे 10। तो ये तो ग्रुप नंबर 12 के लिए था। अगर 11 का पूछा तो आंसर क्या होगा देखते हैं जरा। कॉपर 29 है, याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इन तीनों में हंडसुल लगता है, इन तीनों में क्या लगता है, हंडसुल, जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर इसका विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका विन्यास लिखेंगे आर्गन है ना, आर्गन लिखेंगे, आर्गन हो गया 18, ये हो जाएगा हम लोग के लिए 4s 1, और ये हो जाएगा 3d 10, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, याद रखना है। ये होगा हम लोग का क्रिप्टन, क्रिप्टन का हो गया 36, ये 4 पर है, तो ये हो जाएगा 5s 1, और ये हम लोग के लिए हो जाएगा 4d 10, 47 था, तो 36 1 37 और 37 और 10 47, यहाँ 79 है, देखते हैं इसका क्या हो सकता है। इसके बगल का नोबेल गैस हम लोग को लेना होगा ज़ेनन, ज़ेनन का हो गया हम लोग के पास में कितना 54, तो ज़ेनन हो गया 54, तो ज़ेनन है ठीक, तो ज़ेनन क्या नंबर पर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ज़ेनन 5 नंबर पर, तो ये हो जाएगा 6s। और याद होगा तुम लोग को कि 6s के बगल में, 6 अगर आया तो बगल में पहले F आएगा और F के बाद में D आएगा, याद रखना है। 5 में पहले डी आता है, 4 में भी पहले डी आता है, लेकिन 6 और 7 में बीच में एफ आता है। तो यहाँ अगर 6 है तो 2 कम यहाँ देंगे और 1 कम हम लोग यहाँ देंगे, तो इसमें तो हो जाएगा 14। अब एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो ये हम लोग का 1 होना चाहिए और ये हम लोग का 10 होना चाहिए ठीक। तो देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 79 पूर्णना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 55, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम लोग का आ जाएगा कितना 79। तो ये हम लोग विन्यास तो लिख लिए, तो हम लोग से ये तो लिखने बोला नहीं, हम लोग को डायरेक्ट एक नंबर पे पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ग्रुप 11 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखते हैं, क्या देख रहे हैं, एस में 1, एस में 1, एस में 1, उसमें
इसमें क्या आया था, इसमें देखे थे सब में एस में दो आया था, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एस में वन, एस में वन, एस में वन है, तो इसका हम लोग विन्यास लिखेंगे एस वन। अब यहाँ पर हम लोग इसको एन लेते हैं, कक्षा के संख्या में क्या लेते हैं एन। अब यहाँ पर देख रहे हैं चार है तो यहाँ तीन है, यहाँ पे पाँच है तो यहाँ चार, यहाँ छः है तो यहाँ पे पाँच है, तो डी जो होगा उसमें एन माइनस वन होगा और डी होगा यहाँ पर ये। अब यहाँ भी दस, यहाँ भी दस, यहाँ भी दस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दस। तो याद होना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि ग्रुप 11 का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हम लोग समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखने वाले हैं एन एस वन, और लिखने वाले हैं क्या एन माइनस वन और डी टेन। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क रहा कि हम लोग को पता है कि ग्रुप नंबर डी में जो होता है वो ग्रुप नंबर तीन से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक होता है ना, ग्रुप नंबर तीन से लेकर 12 तक। तो अगर पूरे डी ब्लॉक का विन्यास पूछता है तब तो हम लोग लिखते थे एन एस जीरो से टू और एन माइनस वन और डी वन से टेन, तो ये तो पूरे डी ब्लॉक का विन्यास हो गया। आप लोग को क्या करना है कि ग्रुप नंबर तीन का अलग निकालना है, ग्रुप नंबर चार का अलग निकालना है, ग्रुप नंबर पाँच का अलग निकालना है। तो हम लोग कौन कौन ग्रुप का निकाल चुके हैं, हम आप लोग को दो ग्रुप का निकाल के बता दिया, ग्रुप नंबर 12 का, ग्रुप नंबर 11 का। तो आप लोग का होमवर्क रहा कि ग्रुप नंबर तीन से लेकर के ग्रुप नंबर 10 तक का है ना, 10 तक का आप लोग को निकाल के दिखाना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसको निकाल करके आप लोग हमको कॉमेंट कीजिएगा। और पिछले क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन और भी बोले थे आप लोग को जवाब देने के लिए, आंसर आप लोग का गलत था। फिर से आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा कि 3D सीरीज का ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान सबसे अधिक होता है। याद रखना है मैग्नीज आंसर नहीं है। और एक क्वेश्चन हम लोग और भी पूछे थे आप लोग से कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित नहीं करता है क्यों। और आज का क्वेश्चन आप लोग का ये रहा कि ग्रुप नंबर तीन से लेकर के ग्रुप नंबर 10 तक का इस तरह से आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके दिखाना है। जैसे हम लोग दो ग्रुप का निकाले, ग्रुप नंबर 12 का और 11 का, तो आप लोग को तीन से लेकर के 10 तक का निकाल करके लाना है और देखना है कि किसमें हैंडसुल लग रहा है। अगर हैंडसुल लगेगा तो यहाँ पर वन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो भी स्टूडेंट आप लोग क्लास कर रहे हैं, आप लोग का दोस्त होगा जो कुछ स्टूडेंट होगा जो भागलपुर में पढ़ रहा होगा, या कोई भी स्टूडेंट होगा जो साहिबगंज में पढ़ रहा होगा, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी जगह पर पढ़ रहा हो, आप लोग उसको वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए और उसको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इससे ये होगा कि जैसे हमारा 1000 पूर जाएगा तो हम आप लोग को लाइव भी आकर के पढ़ाएंगे। 950 सब्सक्राइबर हो चुका है, मात्र 50 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो आप लोग देखिए कि जो भी स्टूडेंट है जिसको कि अभी 12 का क्लास है या 12 के एग्जाम देने वाले हैं, उसको आप लोग बोलिए, और यह जो घर में आप लोग का फोन है उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।